नमस्कार, मैं हूँ पायल गुड़ियाल। सावन के दिनों में देवों के देव महादेव की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, जिसमें शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित कर भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में आपने भी सावन भोले बाबा की कृपा पाने के लिए महादेव की आराधना जरूर की होगी। लेकिन अगर आपने भी अभी तक महादेव की पूजा नहीं की है तो आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार इस साल शिव की कृपा पाने का अंतिम अवसर होगा। दरअसल कहा जाता है कि अगर आप सावन में शिव की भक्ति नहीं कर पाए हैं तो आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सावन के अंतिम सोमवार को शिव की पूजा जरूर करें। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 12 अगस्त को है, तो ऐसे में आइए जानते हैं कि राशिफल के अनुसार आप सावन के आखिरी सोमवार में शिव की आराधना कर उनकी असीम कृपा कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले लोग अपनी जो भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं उसके लिए वो महादेव को पंचामृत अर्पित करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जातक पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल मिश्रित दूध चढ़ाएं, साथ ही साथ सफेद चंदन भगवान शिव को अर्पण करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग सोमवार के दिन अनार के रस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और एक बेल पत्र पर सफेद चंदन लगाकर अर्पण करें। ऐसा करने से घर में शांति आएगी, साथ ही पारिवारिक कलेश खत्म होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के सभी लोग हर सोमवार शिवलिंग पर घी का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके सारे रोग खत्म होने के साथ जिंदगी में चारों ओर आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि के सभी लोग सोमवार के दिन गुड़ शक्कर मिश्रित जल भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करें और शिवलिंग के पास गाय के घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से राहत मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के सभी लोग सोमवार के दिन जल में बेलपत्र डालकर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। आपकी नकारात्मकता दूर होगी, आपके मन की इच्छा पूरी होगी। तुला राशि। तुला राशि के सभी लोग सोमवार के दिन सुगंध वाले जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। सफेद मिठाई का भोग लगाकर बच्चों में बांटें। ऐसा करने से नौकरी की दिक्कत खत्म होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सभी लोग सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा लगातार कुछ दिन करने से व्यापार की समस्या खत्म होगी और सेहत में भी सुधार होगा। धनुराशि। धनुराशि के सभी लोग सोमवार के दिन गाय के दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपके जमीन जायदाद की परेशानियां खत्म होगी। मकर राशि। मकर राशि के सभी लोग सोमवार के दिन कुशा के जल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा कुछ दिन करने से आपके परिवार की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के सभी लोग सोमवार के दिन जल में तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। सरसों के तेल का दिया भगवान शिव के पास जलाएं। ऐसा करने से जिंदगी की हर परेशानियां खत्म होंगी। मीन राशि। मीन राशि के सभी लोग सोमवार के दिन कच्चे दूध में केसर और चावल मिलाकर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से प्रेम संबंधों की बाधा खत्म होगी। जल शिवजी जी को अर्पित करें।